लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। मैंने लिटरली नीमो देखा, नीमो का घर देखा, इट वाज जस्ट अमेजिंग, आई कांट एक्सप्लेन। अंडमान का वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट मरीन लाइफ लिविंग एक्टिविटी आज आप लोग यहां पे लाइव करने वाले हो। ओह नो, नो नीड ऑफ डूइंग स्विमिंग, आप स्विमिंग आता है मत कीजिएगा, मछली आता है। So hey everyone, good morning, and it's a day 4 in Andaman. मैं क्यों कन्फ्यूज हो रहा हूँ, इट्स अ डे 4, यस। अभी हम रेडियो के जा रहे हैं एलिफेंट बीच, आई डोंट नो एलिफेंटा, इट्स अ बीच वेयर ऑल द एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग, और बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, बहुत ही हैपनिंग बीच है, लाइक गोवा में जैसे यू नो अपना बागा बीच है, आई एम नॉट कंपेयरिंग बट वो ऐसा सही कुछ है, मतलब वो बहुत ही एक्टिव प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे यू नो सारे टूरिस्ट मोस्टली वहीं मिलेंगे, सारी वाटर एक्टिविटीज़ वहीं पर हो रही होती हैं, तो सारी चीज़ें। और आज फाइनली इट्स अ वेरी सनी डे, तो नो बारिश, नो चांस, नथिंग, तो अपन आज आराम से मज़े कर सकते हैं। तो अभी वहीं पे निकल रहे हैं, और यस मैं रेडी होकर दोबारा मिलता हूँ। शॉर्ट्स पहन लेता हूँ आज, so guys this is my today's outfit because I am going to the elephant beach, it's a proper beach kind of a thing, aur wahan pe bahut sari activities hoti hain jo main bar bar activity bol raha hu, to uske liye I think this is appropriate, maine sandal pehne hain and shorts wagera, maine full isliye nahi pehna kuch bhi ki you know it will be comfortable for me, aur ye topi pehni hai bahut hi acche se match kar gayi hai na pure outfit ke sath, so let's go। रीच्ड एट द प्लेस जहाँ से आपको चार्टर या फिर बोट अलॉट करी जाती है एलिफेंट बीच तक के लिए, एंड यहाँ पे मेरे सामने सारे आपको दिख रहे होंगे सारे बोट्स हैं, और ये शेयरिंग बोट्स हैं, अगर आप इसमें जाते हो तो आपको आई थिंक 2500 रुपीज़ या फिर 2000 रुपीज़ ईच पर्सन देना पड़ता है, एंड या फिर आप चार्टर बुक कर सकते हो, चार्टर में यू कैन आराम से अकेले सोलो जाओ, और अगर आपको बीच में आना है तो आप बीच में भी आ सकते हो, इन शेयरिंग वाले में क्या होता है अगर आपको बीच में आना है तो आप आ नहीं सकते, आपको सबका वेट करना पड़ेगा कि सब आएंगे उसके बाद ही आप जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के लिए यू मस्ट हैव कैरी कैश, और कार्ड वगैरह लोग नहीं लेते, तो अभी इन्होंने कैश लिया है, और चार्टर इज़ बिट एक्सपेंसिव, इट्स लाइक 10,500 रुपीज़ ऐसे है, सो वी हैव बुक चार्टर, और जिससे कि हम लोग आराम से अकेले जा सकते हैं, आई कैन ब्लॉग आराम से, जिससे कि यू नो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा लोगों का, बट यस यहाँ पे यही सिस्टम है, आपको ऐसे इस तरीके शेयरिंग बोट्स में जाना पड़ता है, 8 लोग होते हैं एक बोट में, और फिर आप जाते हो, एंड यस फिर वहाँ पे एक्टिविटीज़, यहाँ पे सारी चीज़ें बुक हो जाती हैं एक ही बार में, और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, वहाँ पे आई थिंक सी वॉक होता है, डॉल्फिन होता है, ये सारी चीज़ें, बाकी अभी ये ब्रीफ करेंगे और हमें कि हम ये क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे, एंड इट्स अ वेरी सनी डे, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा टैन होने वाला हूँ आज, एंड बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से, तो सामने ये सारे बोट्स हैं, और यहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा खासा है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे, यहाँ जहाँ मेरी फिंगर दिख रही है, दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे सारी बुकिंग्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे आपका अमाउंट पे करना होता है। सी वॉक, अंडर वाटर सी वॉकिंग, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। ये आपका जो आपको मेडिकल टर्म्स, अस्थमा, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एपिलेप्सी, एड्रम, कोविड रिकवरी, वर्टिगो सर्जरी वगैरह है तो आप नहीं कर सकते। इसमें क्या है सर, 15-20 मिनट से बेड में आपको वॉक करवाएंगे, आप चलेंगे वॉक, ठीक है। इसमें क्या है, आपके इस तरह के ख्याल
हेलमेट पहनाएंगे, शोल्डर से ऊपर पानी इन नहीं होगा, शोल्डर से ऊपर पानी इन नहीं होगा, आप लोग इजीली लैडर थ्रू पानी के नीचे लेके जाएंगे, आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप लोग मैरिन एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, वन टाइम करेंगे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इसमें फोटोग्राफी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, वीडियो के लिए अलग से टीम मेंबर्स को 500 रुपीज चार्ज करते हैं। इसमें आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है, अंडर वाटर वॉक रहता है 20 मिनट्स का, प्राइस रहता है 3,500 रुपीज़। कैंसिलेशन पॉलिसी 1,000 रुपीज़, एनी रीजन आपके थ्रू आप कैंसिल कर दो 1,000 रुपीज़ डिटेक्ट होकर बाकी रेस्ट अमाउंट आपको दिया जाए। उसके बाद पैरासेलिंग मिड ऑफ ओशन में एक बोट होगा, बाई बोट आपको पैरासेलिंग बोट पे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद आपको हार्नेस पहनाएंगे, लाइफ जैकेट पहनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके बोट से फ्लाई कराना स्टार्ट करेंगे, लाइक 100 मीटर आइलैंड का व्यू वगैरह सब कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बोट पे लैंड करेंगे। वाटर डिपिंग नहीं होगा, पानी की बूंद आपके ऊपर नहीं आएगा। 40 मिनट्स का बोट जर्नी होता है, 1x1 फ्लाई होता है, एट ए टाइम 10 मेंबर जाते हैं, 6 मेंबर जाते हैं, जितने हो जाए तो उनको लेके आगे जाते हैं। इसका प्राइस है 3,200 रुपीज़ पर पर्सन। अरे आपका फुल रिफंडेबल एक्टिविटीज है, एनी रीजन आप वहाँ जाके अगर आपका मन बदल जाए कि मुझे नहीं करना है पैरासेलिंग, तो फुल रिफंड आपको हो जाएगा। फोर एक्टिविटीज का मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। ये वाला क्या था एक बार फिर से करेंगे? सेमी सबमरीन, एक दो ड्राफ्ट की बोट है, अपर ड्राफ्ट, अपर ड्रॉप एंड लोअर ड्रॉप, लोअर ड्रॉप 1.3 मीटर पानी के नीचे रहता है, 1.3 मीटर आप जहाँ बैठते हो एसी कंपार्ट होता है, ओके, इसके साइड से साइड विंडो दिया जाता है, इसमें आप इजीली मैरीन लाइफ देख सकते हो। 20 to 30 मिनट्स के लिए दो डिफरेंट बीचेस का कोरल सबको दिखा के उसके बाद आपको रिटर्न लेके आएंगे। इसकी क्या चार्ज है? 3,500 रुपीज़। नहीं बेटर तो दोनों ही बेटर है सर, इसमें ट्विन वन है, इसमें आपको दो डिफरेंट बीचेस प्लस एक 10 मिनट्स का आइलैंड टूर रहते हैं, और इसमें आपको दो डिफरेंट बीचेस का कोरल दिखा के लेके आते हैं पानी के नीचे बैठ के। मेडिकली फिट है तो ट्राई कीजिए सी वॉक, नहीं तो नहीं बोलूँगा। मेडिकली देखते देखते सो वी आर ऑफ, बोट हैज स्टार्टेड और हम निकल रहे हैं, और ये लोग बोट को ही चार्टर बोलते हैं, मुझे फिर भी पता चला चार्टर इज बोट ओनली। एलिफेंट बीच वाटर राइन है हमारी एंट्री, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छे अच्छे ऐसे फिल्मों में दिखाते ना सूखे पेड़, और हीरोइन ने ऐसे शिफॉन साड़ी में लेटी होती है लाइक दैट। भीग गया बोट, नहीं पानी आ रही थी, छप 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 छप। एक्टिविटी का टिकट आप लोग लेके आए होंगे? हाँ, वो जो भी टिकट है सारे आपके, जो वो भी बड़ी मोस्ट थिंग है मरीन लाइफ, बिकॉज़ मरीन लाइफ इज द मेन ब्यूटी, मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस। एक्जेक्टली राइट, यू नो स्विमिंग, यू डोंट नो स्विमिंग, 3 फीट एवरीबॉडी कैन गो, आई डोंट, ओके, डोंट, नो नीड ऑफ डूइंग स्विमिंग, और स्विमिंग आता है मत कीजिएगा मछलियां पकड़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फीट तक कॉम्प्लीमेंट्री होगा, किनारे से लेके 30 मीटर के अंदर में मुझे फर्स्ट ऑरेंज कलर का बोट बॉल दिख रहा है, ब्लू बोट के बगल में। ए वाटर इज वेरी शैलो, सो लेस नंबर ऑफ फिश देन कोरल्स यू कैन गेट, दैट जस्ट टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द एक्टिविटी। स्नॉर्कलिंग होता क्या वो मालूम चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री में जाके, एंड वंस यू आर कंफर्टेबल इन 3 फीट एवरीबॉडी कैन ट्राई टिल 5 फीट, डिसाइड देयर यू कैन सी द एक्चुअल मरीन लाइफ एंड व्हाट यू कैन सी देयर, वी शो अ स्मॉल वीडियो फॉर दैट पर्सन। अंडमान का वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट मरीन लाइफ विविंग एक्टिविटी आज आप लोग यहाँ पे लाइव करने वाले हो। ये सारा चीज पानी में जाके लाइव देखेगा, बट दिस वन इज अ पेड कॉम्प्लीमेंट्री में इतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही रहेगा, बट पेड में इट्स सेम रहेगा। ओके, एंड नाउ वी मेड दिस द इजीएस्ट एक्टिविटी, माउथ ब्रीदिंग थोड़ा सा मुश्किल होगा, नो नीड ऑफ डूइंग माउथ ब्रीदिंग, ये वाला मास्क सबको दिया जाएगा, मास्क पूरे फेस को कवर रखेगा तो आसानी से नॉर्मल नोज ब्रीदिंग करते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए इसको पूरा करोगे, ठीक है, और एक कैमरामैन रहेगा
जो ऐसे ही आपका एक वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे, जो कलेक्ट कर पाओगे डायरेक्टली फ्रॉम द काउंटर। ओके, और ऐसे ही मछलियों को खाना खिलाते हुए फिश फीडिंग कराते हैं हम लोग, एक्टिविटी को पूरा कराएंगे सर, जिसके दौरान गैदरिंग ऑफ फिश भी इतना ज्यादा आपको पानी में जाकर लाइव देखने को मिलने वाला है। ये चीज सी वॉक्स को बया तो और कोई भी एक्टिविटी में नहीं होता है, ओनली इन स्नॉर्कलिंग कैन डू दिस। इफ यू वांट टू टच देम यू कैन प्ले विद देम इन द वाटर आल्सो। और जो सबसे खूबसूरत चीज है कोरल गार्डन, टीवी में तो बहुत देखा है राइट, डिस्कवरी चैनल में, आज यहाँ पे लाइव एंजॉय करेंगे। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सेल्फिन बीच, यहाँ पे 5 फीट में इतना ज्यादा मरीन लाइफ। इस पूरे एक्टिविटी के लिए ना आपने से किसी को स्विमिंग जानना है, ना पानी के नीचे को जाना पड़ेगा, ना कान में प्रेशर आने वाला है, ना माउथ ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, ना एज का फाउंडेशन, ना मेडिकल का दवा काम से। हार्ट सर्जरी अस्थमा एपिलेप्सी नॉट अलाउड फॉर दिस एक्टिविटी, अदरवाइज एनीबॉडी। ओके, थोड़ा बहुत भी छोटा बड़ी सारा अगर हैवी तो भी चलेगा। ओके, चार्जेस 1200 रुपीज, 1200 रुपीज पर पर्सन, इंक्लूडिंग फोटो, वीडियो, ट्रेनिंग, गाइड, मास्क, एवरीथिंग। टाइमिंग 15-20 मिनट्स, समटाइम्स 30 मिनट, डिपेंड्स अपॉन द वाटर फ्लो मोस्टली। सो दिस वॉज द ब्रीफिंग बाय द गाइड, और हमें भी वो फॉलो करना है जो जो उसने बोला। एंड आई विल ट्राई द स्नॉर्कलिंग, एंड मैं अपने लॉकर में कैमरा वगैरह रख रहा हूँ, सो दे विल शूट एंड क्लिक पिक्चर्स मेरी, और वो हमें बाद में दे देंगे। सो आई चेंज्ड माय क्लोथ्स एंड दिस इज द लॉकर एरिया। सो गाइज, स्नॉर्कलिंग इज डन, नाउ आई एम गोइंग फॉर डॉल्फिन वाला एक्टिविटी। एंड गाइज, स्नॉर्कलिंग इज समथिंग डिफरेंट, यू शुड एक्सपीरियंस वंस इन लाइफ एटलीस्ट। यू कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ कोरल्स, मैंने लिटरली नीमो देखा, नीमो का घर देखा, इट वॉज जस्ट अमेजिंग, आई कांट एक्सप्लेन। मतलब इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था, मैं क्या बताऊँ। मतलब इट वॉज एक्सपेंसिव बट इट वॉज वर्थ इट एवरी पेनी, लाइक बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अगर आपको कभी मौका मिले ना अंडमान आ रहे हो, स्नॉर्कलिंग इज मस्ट, ए हैव टू इन योर यू नो पॉकेट लिस्ट। और दिस इज द बोट जिसमें अब हम डॉल्फिन के लिए जा रहे हैं। सो या ट्रांसपेरेंट है नीचे से, जिसमें से यू कैन सी फिश भी खा। दिस इज ट्रांसपेरेंट। सामने में एक सिल्वर कोरल के एक पैचेस है, एक कोरल्स की साइड में एक फूल जैसे एक पैचेस बनी हुई है, तो ये वाला ये ये सो आई एम आउट फ्रॉम द बोट। एंड भाई बहुत बड़ा कट हुआ है हमारा, जो मैं कह रहा था ना डॉल्फिन दिखाने ले जाएंगे, द बोट नेम इज डॉल्फिन, देयर इज नो डॉल्फिन, दे विल शो अस। सो दिस इज द बोट वेयर द डॉल्फिन इज प्रिंटेड, एंड यही था वो डॉल्फिन, कोई डॉल्फिन नहीं दिखाई गई। सो देयर वाज एक्वेरियम इनसाइड इट, सो देयर वाज अ ह्यूज ह्यूज ग्लास इनसाइड द बोट, उसमें से ट्रांसपेरेंट, सो यू कैन सी द कोरल्स एंड फिशेस। सो दैट्स इट, एक जैसे एक्वेरियम दिखाते हैं ना, सो काइंड ऑफ दैट एक्सपीरियंस, कि आप कांच में से कोरल्स देख लो, सो 5-10 फीट के बिलो जो भी दिख सकता है। सो दैट वाज इट, देयर इज नो डॉल्फिन, सो बट इट वाज गुड ऑल्सो, या बट आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन दैट जब मैं स्नॉर्कलिंग कर रहा था, सो स्नॉर्कलिंग इज बेस्ट। सो नाउ वी हैव टू टेक अनदर बोट, हर एक्टिविटी के लिए एक डिफरेंट बोट है। सो सेमी सबमरीन के लिए देयर इज अ डिफरेंट बोट, जिसमें नीचे से भी दिखता है, ऊपर से भी दिखता है। लेट मी शो यू, मैं बोट दिखाता हूँ। वैसी वॉक है जो एक कोगो पे एक शुरुआत आता ना, जिसमें पानी पे चलना होता था, वो कुछ कुछ एयर बलून्स लगा के, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज आवर बोट, द रेड वन इज द बोट, द सेमी सबमरीन बोट।
सो द राइड इज़ डन। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से था जैसे वो डॉल्फिन राइड थी जिसमें अंदर ग्लास था और यू नो सबमरीन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सेम लाइक दैट, बिल्कुल फिश एक्वेरियम की तरह कि आप अंदर से बाहर मछलियों को देख रहे हो, कोरल्स को देख रहे हो बड़े बड़े, बिकॉज इस बस इसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास था तो आपको और यू नो बहुत क्लियर दिखेगा और सेम एक्सपीरियंस। सो आई वुड नॉट रिकमेंड अगर कोई भी आ रहा है, अगर आप स्नॉकलिंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ आपको बहुत बेकार लगेंगी थी, बिकॉज मैंने स्नॉकलिंग करी और उसके बाद मुझे लग रहा है याद दिखा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा देख के आओ, बिकॉज स्नॉकलिंग में बहुत पास से देख सकते हो, लाइक आप छू भी सकते हो उन फिशेज को, बट इनमें तो बस आपको कांच यू नो कांच से देखना पड़ता है, दैट्स इट। सो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, लाइक ठीक है कर लेना चाहिए टाइप। सो द पैरासीलिंग इज़ ऑल्सो डन, सो माई ऑल एक्टिविटी इज़ डन, सारी एक्टिविटी हो गई, स्नॉकलिंग, पैरासीलिंग और सबमरीन राइड और फिश एक्वेरियम राइड सब हो गई, सारी बहुत अच्छी थी। इवन अभी पैरासीलिंग में तो बहुत मज़ा आया बिकॉज हल्की हल्की बारिश हो रही थी ना, तो जब आप ऊपर ऐसे ऊपर हवा में होते हो ऐसे मस्त पेड़ पड़ते हैं, हल्की हल्की बूंदें, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो इट वॉज़ फन, इट वॉज़ रियली रियली फन। और मैंने फोटोज़ वगैरह भी लिए तो वो फोटो मेरे को काउंटर पर मिल जाएगी, मैं कहीं अटैच कर दूँगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था फ्रॉम हेयर एंड देयर, हर जगह से कैमरा भीग जाता, तो इसके लिए और मैं अटैच कर दूंगा, यहाँ कहीं फ़ोटो देख लेना तुम लोग या फिर वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा बाद में, बिकॉज इसमें मैं नहीं ले पाया वीडियो। सो आई हैव चेंज्ड माय क्लोथ्स और फोटोज़ वगैरह मैं ले रहा हूँ अभी, वो सारे पेड़ हैं। मेरा स्नॉकलिंग वाला फ़ोटो तो मतलब पैकेज के साथ ही था जो मेरा पैकेज था, बट मेरा पैरासीलिंग का फ़ोटो का 300 रुपीज़ लिया है, तो वो भाई मैं बिल वगैरह करा रहा हूँ, फ़ोटोज़ ले रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी अभी हमें यहाँ से कुछ खाते हैं और फिर हमें डायरेक्ट कैब, हमारी जो होटल की कैब है वो हमें वापस से होटल उतार देगी और फिर वहाँ पे मैं बीच जाऊँगा, कुछ फोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराऊँगा। सो यार दैट्स इट, दैट 600 ही हैं पूरे। थैंक यू। और एक इसका भी होगा। सो अभी हमारी बोट भी आने वाली है, जैसे इनकी बोट है ये जा रहे हैं, ये शेयरिंग वाला है जो ये जा रहे हैं, इसमें 8 लोग आते हैं, हम जिसमें आए थे सिर्फ मैं और मेरे फ्रेंड, हम 2 ही लोग आए थे बिकॉज़ हमने प्राइवेट वाला लिया था जिसमें शेयरिंग वेयरिंग का कोई सीन नहीं होता, तो यू नो आप अकेले आराम से आ सकते हो और अगर आपको जल्दी जाना है, कोई एमरजेंसी है, तो आप अकेले वापस भी जा सकते हो, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। बट इन ग्रुप्स आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर आपको जल्दी जाना है या फिर यू इंजर्ड एनीथिंग, वो मेरे को ये सब बता रहे थे जो हमें लेके आए कि कई बार ऐसे होता है कि एमरजेंसी में उनको वापस जाना है अपने होटल, तो सबको कन्विंस करो, बाकी के नो 7 लोगों को जो भी ग्रुप आया है कोई नहीं मानता क्योंकि सबने अपने अपने पैसे दिए होते हैं, तो इसके लिए तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया था इस तरीके से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। इफ़ यू आस्क मी विच एक्टिविटी आई लाइक्ड मोस्ट, देन आई लाइक स्नॉकलिंग बिकॉज इतने पास से मरीन लाइफ को देखना, इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी आ रहा है ना तो यू मस्ट ट्राई। एंड पैरासीलिंग मैंने पहले भी किया हुआ है विच इज़ इन गोवा, गोवा में मैंने पैरासीलिंग किया था, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मरीन लाइफ में जो सबमरीन वाला था वो भी अच्छा था, बट नॉट दैट नाइस बिकॉज बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा था, बहुत छोटी सी जगह थी, उसमें हम यू नो 8-9 लोग थे सारे, तो कोई अंकल भी थे और आंटी भी थी, वो तो भैया उनका दम घुटने लग गया, उन्होंने बोला जल्दी बाहर निकाल दो हमें, तो इसीलिए। सो आई हैव क्लिक्ड वेरी गुड पिक्चर्स राइट नाउ, यहाँ पेड़ के जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ में से बहुत अच्छी फोटो आई है। आज तो मेरा सैंडल ख़राब ही हो जाएगा। सो इट्स 2:28 राइट नाउ और हमारी सारी राइड्स वगैरह हो गई, हम आए थे सुबह 10 बजे और इतनी सी देर में मतलब इन्होंने सारा कुछ करा दिया हमें, और अब हम वापस जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से होटल से अपने राइड लेने के लिए। सो आई एम बैक एट द सेम प्लेस जहाँ से मैं गया था एंड हैविंग नारियल पानी, और यहाँ का नारियल का कलर भी थोड़ा अलग सा ही है, लाइक ऑरेंजिश टाइप, टेस्ट इट्स सो गुड, बहुत ही मीठा सा है।
यहाँ भी नारियल पानी महंगा ही है भाई, 50 रुपये का है। मतलब मुझे लगा था अंडमान में तो नारियल वगैरह बहुत ही ईजिली मिल जाता, तो यहाँ पे सस्ता होगा। सो आई एम बैक इन माई होटल रूम और बारिश अब तेज़ होने लगी है। जब हम वहाँ से निकले थे तब हल्की हल्की हो रही थी, अब बहुत तेज़ हो गई है। तो अभी मैं से मैंने सोचा था कि मैं वापस से बीच पे जाऊँगा इन आउटफिट वगैरह चेंज करके, बिकॉज़ मैंने 2 दिन होटल में ही बिताए, तो मैं इतने सारे आउटफिट्स लेके आया था इन्हों की आज ये पहनना कल वो पहनना है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और अभी मैंने यहाँ पर इनसे ये भी पूछा कि उन्हें कल लोकल मार्केट कौन सा है अगर आई वॉन्ट टू शॉप समथिंग, तो उन्होंने बोला वो यहाँ पर नहीं, अब आपको पोर्ट ब्लेयर में करना पड़ेगा, यहाँ पर शॉपिंग के इतने ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो शॉपिंग भी मैं यहाँ आज नहीं करूँगा, कल ही करूँगा। अभी 5:30 बजे हाईटी लगेगी तो मैं एक ही बार निकलूँगा। अभी मैं जस्ट आया हूँ, थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, बिकॉज़ ये भी हल्के हल्के भीग गए थे क्योंकि जब मैं कैब में जा रहा था तो उसके लिए, और बिल्कुल बिकॉज़ वो जो वहाँ का पूरा पानी था बहुत ही नमक वाला था, सॉल्टेड वाटर था, तो पूरे बाल ना ऐसे कड़क कड़क से हो गए हैं, पूरा चेहरा ऐसे खिंच सा रहा है। तो अभी मैं एक बार नहाऊँगा जिससे थोड़ा यू नो वो जितना भी नमक होगा सब निकल जाएगा, बिकॉज अभी मैं अगर अपने लिप्स पे लिख कर रहा हूँ ना ऐसे कर रहा हूँ तो इतना नमक नमक सा फील हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो वो वाली चीज़, आई लव माई टूडेज़ लुक एंड आउटफिट। एंड अगर किसी को मेरे आउटफिट के बारे में जानना मैंने कहाँ से लिया कौन सी चीज़, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, और बिकॉज सबको नहीं जानना होता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और सो यस, अभी के लिए तो इतना ही। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भरा रहा बिकॉज मैंने काफ़ी सारी एक ही दिन में, 2 दिन नहीं निकला तो नहीं निकला, और जब निकला तो एक ही साथ सारी एक्टिविटी कर ली, लाइक पैरासीलिंग भी कर ली, स्नॉकलिंग वॉज द बेस्ट, बिकॉज स्नॉकलिंग के बाद आप जितनी चीज़ें करते हो ना वो स्नॉकलिंग से रिलेटेड ही होती है। लाइक स्नॉकलिंग में आप कोरल्स देखते हो, फिशेज देखते हो, उसके बाद जो मैंने 2 और एक्टिविटी करी थी, मी सबमरीन जो थी और एक और एक्वेरियम वाली थी, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम थी। उसमें दोनों में आपको सेम चीज़ें बताते हैं, इवन उनके जो गाइड्स थे वो भी सेम लाइंस बोल रहे थे, लाइक कोरल में कैल्शियम होता है, ये उनके मेडिसिन में यूज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें दोनों भी बता रहे थे। तो अगर मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप स्नॉकलिंग कर रहे हो तो आप वो दोनों एक्टिविटीज स्किप कर सकते हो, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड यू नो एक्सपीरियंस कैसा लगता है। बस वो जो सबमरीन वाला था वो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था, बिकॉज बहुत छोटी जगह थी और बहुत सारे लोग थे और आंखों में मेरे दर्द होने लगा था, बिकॉज वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे कि कोरल्स आपको और पास दिखती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं कि अगर आप जा रहे हो तो आप उस हिसाब से अपना ध्यान रखना। तो यस, आज का दिन इसी तरीके से रहा है। कल हमारा चेकआउट है यहाँ से और उसके बाद क्या कहते हैं, यस हम पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, वहाँ पर मेरी दूसरे होटल में बुकिंग है, वहाँ पे चेक इन करूँगा, फिर सब कुछ होगा, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और इसके सारे पार्ट ज़रूर देख लेना अगर आप ब्लॉग अभी तक देख रहे हो, बिकॉज मैं मल्टीपल पार्ट्स बनाऊँगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग अगर मैं एक ही वीडियो में डालूँगा। खुद इमेजिन करो, लाइक 7 दिन का ट्रिप था और एक वीडियो में तो ऑब्वियसली कवर नहीं हो सकता, मल्टीपल पार्ट होंगे, तो उस हिसाब से आप सबको ज़रूर देखना और अपना फीडबैक भी देना, बिकॉज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, अपने नए कैमरे से कर रहा हूँ। सो मैं तो इतना यू नो यूज़ टू हो गया था, पहले ब्लॉग कर रहा था, अब फिर से एकदम से यू नो लोग आते ऐसी नर्वसनेस से हो जाती है। सो इफ़ यू जस्ट स्टार्टेड ब्लॉगिंग यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। सो यस, अभी मैं जाता हूँ अंदर, सो बाय।